इलेक्ट्रोक्यूशन यह इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इंजरी होती है इलेक्ट्रिसिटी में एसी और डीसी आती है अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट जो एसी होती है वो फोर टू फाइव टाइम मोर डेंजरस होती है डीसी के कंपैरिजन में जो डीसी होती है वह अनकॉमन uh, है कि वह इंजरी करती है एक्सेप्ट लाइटनिंग के केस जैसे बिजली चमकती है तो वह डी होती है करंट uh, अगर अपन बात करें ए में जैसे करंट की बात करें कि uh, जो अपनी फाइव मिली एम का करंट है तो वो क्या डैमेज करता है नमने और पेन होगा टेन टू फिफ्टीन मिली एमपीयर का करंट है तो टिटनी क्रॉस करता है फोर्टी मिली एमपीयर का करंट हो तो मोर देन फिफ्टी मिली एमपीयर हो तो इंस्टेंटली फेटल अब एक अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस तो कौन कौन सी चीज रेजिस्ट करती है जैसे स्किन जो होती है हमारे बॉडी में प्रिंसिपल वेरियर का, का काम करती है और जो ड्राई स्किन होती है वह हाई रेजिस्टेंस हो करेगी इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है ब्लड वेसल्स के अलोंग भी कंडक्ट होती है और ब्लड वेसल्स ही है जो कि लीस्ट रेजिस्टेंट ऑफर्ड करती है आगे अगर अपन बात करें कि सिविरिटी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की वह डायरेक्टली करंट फ्लो पे ड्यूरेशन uh, कितनी देर तक करंट फ्लो करा है उतनी ज़्यादा सिविरिटी uh, होगी उतनी ज़्यादा सीवियर इंजरी होगी आगे बात की जाए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन क्या इफेक्ट होता है जैसे जूल जूलबर्न कब मिलता है एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जूल जूलबर्न यह तब मिलता है जब फर्मली कॉन्टेक्ट मतलब ताकत से हमने मतलब फर्मली दृढ़ता से हमने पकड़ लिया है किसको लो वोल्टेज के करंट को तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है कि लो वोल्टेज का कारण है उससे फर्मली अगर अपन ने कांटेक्ट करा तो ये एक एंडोजिनस बर्न बन जाता है जैसे ये दिख रहा है ये आ, फिंगर में अपने को दिख रहा है तो आगे बात की जाए ये एंडोजिनस बर्न दिख रहा है और फाउंड इन द पॉइंट ऑफ एंट्री जहाँ से करंट एंटर करता है वहाँ पाया जाता है स्पेसिफिक और डायग्नोस्टिक है इलेक्ट्रिक बर्न का आगे बात की जाए जैसे ये अपने को दिख रहा है जूल बर्न अब बात की जाएगी स्पार्क स्पार्क क्या होता है स्पार्क वन या फिर फ्लैस वर्न ये तब होता है जब लूज कॉन्टैक्ट हो विद एयर के मतलब एयर के बीच स्पार्किंग जैसे होती है लूज कॉन्टैक्ट होता है इसमें तो एयर के थ्रू करंट फ्लो होगा तो स्पार्क या फ्लेश अब है क्रोकोडाइल वर्न ये कम मिलता है जब लूज कॉन्टैक्ट हो विद हाई वोल्टेज यहाँ स्पेसिफिक फाइंडिंग है बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज है और हमने इसे लूजली कॉन्टैक्ट में आए हैं जबकि अभी अपन ने जूल वर्न देखा था उसमें बोला था कि उसे टाइटली कॉन्टैक्ट में था फर्मली कॉन्टैक्ट था लो वोल्टेज अब अपन बात करते हैं कॉज ऑफ़ डेथ क्या है इलेक्ट्रोक्यूशन में तो बेंट कुछ भी जैसे कि अगर अपन बात करें बेंट्रिकुलर फिव्रिलेशन हो सकता है यदि लो वोल्टेज करंट है ये मोस्ट कॉमन कॉज है आगे अगर अपन बात करें कॉज ऑफ डेथ डिपेंड करती है पाथ ऑफ करंट किस uh, पाथ से करंट गया है जैसे वाट एवर ऑर्गन प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ करंट दैट ऑर्गन अफेक्टेड वह ऑर्गन अफेक्ट होता है एग्जाम्पल के लिए जैसे करंट फ्लो करता है राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की ओर यदि राइट से लेफ्ट की ओर गया तो कार्डिक एरिदमी होगा क्योंकि यहां इन्वॉल्वमेंट हुआ हायर हार्ट का अगर बात करें कि यदि हेड से फुट की ओर जा रहा है तो रेस्पिरेटरी फेलियर होगी क्यों इन्वॉल्वमेंट uh, हुआ है ब्रेन स्टेम का uh, तो बेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो मोस्ट कॉमन कॉज है uh, करंट के पाथ पर डिपेंड करता है क्या uh, किस वजह से डेथ होगी जैसे कार्डियक एरिदमिया मिला uh, राइट से लेफ्ट की ओर गया हेड से फुट की ओर गया, uh, गया तो रेस्पैरेटरी फेलियर मिला क्योंकि ब्रेन स्टेम का इन्वॉल्वमेंट हुआ अब अपन बात करें लीगल इम्पोर्टेंस क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर में ही है आगे बात की जाए लीगल एस्पेक्ट तो डेथ जो होती है यूजुअली हमें अधिकतर एक्सीडेंटल केस में देखी जाती है और जुडिशियल इलेक्ट्रोक्यूशन कहाँ किया जाता है ये एक इम्पोर्टेंट लीगल आस्पेक्ट है कि डेथ पेनाल्टी केरी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक चेयर Uh, कहाँ यूज़ किया जाता है यूएस में यूज़ किया जाता है स्टेट ऑफ यूएस। तो ये हमने कंप्लीट करा इलेक्ट्रोक्यूशन। थैंक यू